विशाल है और यहाँ जनता की जो सुविधा मिलेगी, जो बाहर सुविधा लोग पलायन करते थे, जो सुविधा सिवान में नहीं है, जो सुविधा छपरा में नहीं है, वो सुविधा जो है हमारे बड़हरिया विधानसभा के बड़हरिया टाउन में जो है सारा सिस्टम यहाँ लगा हुआ। किसी भी जगह का किसी भी पार्ट्स का एक्सरे लेना है तो सारा यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, जो पेशेंट कैसा है, पतला है मोटा, उस हिसाब से अपना एक्सरे कर सकते हैं। बाहर से कराएंगे तो पैसा तो ज़्यादा लेंगे। तो पैसा नहीं, पैसा क्यों ज़्यादा लूँगा, पैसा वही ले रहा हूँ मैं, वही तो मैं आया हूँ फैसिलिटीज देने के लिए। अच्छा। कि पैसा कम लूँगा और फैसिलिटीज मैं ज़्यादा दूंगा। सिवान या कहीं घूमेंगे किसी लैब तो पूछेंगे, तो शायद ये मशीन किसी नहीं लगाया होगा। जगह जाए तो 400-500 में नहीं, ये हमारे के 300 रुपये में जाँच होगी। इसी 300 हमारे यहाँ होगी, डिजिटल होगी। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टुडे लौवा नियर करबल्ला बाजार, बरेड़िया, सिवान। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ ही। प्यार करते हैं हम, बता दें गरीब हॉस्पिटल के बगल में गांधी डायग्नोसिस सेंटर जो कि डिजिटल है। यहाँ पे एक्सरे भी करवाइए या कैंसर की कोई भी जांच हो, जो माउथ में अल्सर वगैरह होता है, आप लोग यहाँ पे आइए जांच करवाइए। यहाँ पे कुछ बहड़िए के लोगों के लिए भी छूट भी रखे हुए हैं। बहड़िए पहली मरतबा इंस्टॉल कर रहे हैं। जो बिजली ऑफिस है ना, जो गंडक है उसके ठीक सामने आप जब आइएगा ना, यहाँ पे दो मिनट सुनिए, जो सामने आइएगा ना यहाँ पे, इसी के सामने गांधी डायग्नोसिस्ट है। और यहाँ पे कई से लोग, रहमुद्दीन साहब जो उप चेयरमैन है, उप चेयरमैन प्रत्याशी, और भैया के जनता के नया साल के साथ शुभकामनाएं हमारी, और हृदय से भी चंदन बंदन अभिनंदन मैं करता हूँ बड़हरिया की जनता के लिए। और जहाँ तक सवाल है, यहाँ गांधी डायलिसिस सेंटर जो सेंटर खुला हुआ है, यह बड़हरिया के लिए एक मिसाल है। और यहाँ जनता की जो सुविधा मिलेगी, जो बाहर सुविधा लोग पलायन करते थे, जो सुविधा सिवान में नहीं है, जो सुविधा छपरा में नहीं है, वो सुविधा जो है हमारे बड़हरिया विधानसभा के बड़हरिया टाउन में जो है आज गांधी डायलिसिस सेंटर के नाम से खुला हुआ है। यहाँ आम जनता की सुविधा अच्छी मिलेगी और अच्छा शहर का विकास होगा, आम जनता का भी विकास होगा। कितना गर्व महसूस हो रहा है बड़हरिया में इस तरह से लैब खुला है तो सर? देखिए, तो हमारे क्षेत्र है, ये तो स्वाभाविक बात है, खुशी का माहौल है। ऐसे ऐसे अगर कोई भी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी अगर बड़हरिया में आए तो ये अच्छी बात है। जनता के जो बाहर पलायन करते हैं, दिल्ली बम्बे जाकर अपना इलाज के लिए, ये जांच के लिए अपना कार्य जो करते हैं, ज़्यादा खर्च बैठता है, आने दवा से ज़्यादा खर्च जो आने जाने में जो बैठता है, वो तो हमारे गरीब जनता को बचत होगा और अच्छा सुविधा मिलेगा। जो इस तरह से यहाँ पे बड़हरिया में खुला दिन प्रतिदिन, वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो व्यवसायी भय से जी रहे हैं, आखिर कैसे बड़हरिया में जिया जाए? तो भय से जीने का कारण है कि कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है और पूर्व से ही लापरवाही होते हुए आई है। लेकिन आज हम लोग जिस मसले पे आए हुए हैं गांधी डायग्नोसिस सेंटर में, हम इस पर बात करेंगे। कानूनी जो काम है वो प्रशासन कर रहा है। ये जो बड़हरिया में हमको एक सेंटर आज देखने को मिला और हमारे भाई डॉक्टर हैदरतुल्ला साहब एक बहुत अच्छा चीज़ दिए बड़हरिया को, जो हर तरह का जो जांच है, तो इसके लेके मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी है इस चीज़ का कि इस जगह पे इस तरह का सेंटर अगर खुल रहा है तो यहाँ के आवामों को फ़ायदा होगा, यहाँ की जनता को फ़ायदा होगा और इस तरह का चीज़ आना चाहिए। रहमुद्दीन भाई, चुनाव में तो काफ़ी आप लोग थे, मतलब मेहनत में, लेकिन अब बड़हरिया में आप लोगों ने अभी शपथ भी नहीं लिया, अभी आप लोग फिर भी इतना बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत बनते जा रहा है बड़हरिया, क्या कहेंगे आप? आपका विधायक जी भी आए हैं, बधाई भी दिए आपको। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़हरिया के जनता को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ नया साल का। और बड़हरिया से हमें ड्यूटी में बने, हम बड़हरिया से जनता मुझे बनाई विश्वास करके, पत्नी को बनाइए प्रतिनिधि। हाँ, और मेरी पत्नी बनी, उसके बाद से आज बड़हरिया में जो ये सेंटर खुला हुआ है जांच का, हमारे डॉक्टर साहब हैदरतुल्ला साहब हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं बड़हरिया के लिए और आगे भी अच्छे ये काम करेंगे बड़हरिया के लिए, ये हम लोग का विश्वास है, ये वादा है। और बड़हरिया एक ऐसा विकसित बड़हरिया हम लोग बनाएंगे बड़हरिया का, कि आने वाला समय में भी बड़हरिया के लोग याद करेंगे कि युवा में कितना ताकत है, कितना दम है, कि बड़हरिया को बहुत अच्छा मॉडल बनाकर और बढ़िया को आदर्श बनाकर हम दिखाएंगे 5 साल के अंदर में।
जी जी 5 साल में हम लोग का बढ़रिया नगर पंचायत का आदर्श बढ़रिया बनाएंगे, नगर पंचायत बनाएंगे, ये हम लोग का वादा है। सोच हम लोग का बढ़िया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाह हयात में रखा था, आगे भी 5 साल के बाद भी हम लोग इससे भी अच्छा कार्य करेंगे और जनता का भरोसा जीत कर, दिल जीत कर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लैब है, एक मरतबा कैमरा से कहेंगे दिखा दीजिए, विधायक जी इसका उद्घाटन किए, हम सोचे कि इस ऑनर से बातचीत किया जाए। और बढ़रिया में ये सुविधा नहीं था कि जो कि डिजिटल एक्सरे जो कि कराया जाए और इस तरह इस टाइप का डिजिटल एक्सरे कराया जाए और हर बीमारी को फाइंड आउट करके यहीं पर उसको ट्रीटमेंट करा दिया जाए। हालांकि इससे बड़े बड़े डॉक्टर भी बढ़रिया में हैं, लेकिन हम जानेंगे डॉक्टर साहब हैं, सबसे पहले सर छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर हिदायतुल्ला ब्रह्मपुर का रहने वाला हूँ, ये बहड़िया क्षेत्र का हमारा बहड़िया क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मैं एक्सरे डिजिटल एक्सरे जो डिजिटल एक्सरे ओपीजी और पूरा सारे ब्लड का टेस्ट जो डिजिटल तौर पे होगा, ठीक है। आप यहीं पे रहिएगा? नहीं, हमारे और सब स्टाफ रहेंगे, मैं तो जमशेदपुर में पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारे जो है सर, ये मशीन जो है ये यूनिक लग रहा है, हाँ, ये क्या है इसको? ये हमारा मशीन जो है स्कैनर है, जो कोई भी एक्सरे उधर करेंगे वो स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद उससे हम लोग ट्रांसफ़र करके हम लोग रिपोर्ट जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग भेजेंगे, जो गल्फ जो हमारा जो रिपोर्टिंग जो होगा, चेन्नई में बैठे डॉक्टर हमारे हैं, उन लोग हर 10 मिनट में आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलेगा, कोई चीज़ का एक्सरे रिपोर्ट हो ब्रीफली मिलेगा। जैसे चेस्ट एक्सरे कराए तो चेस्ट में सिर्फ जनरली डॉक्टर लोग नॉर्मल लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा चेस्ट में अगर क्या क्या फाइंडिंग है, कौन से रिब में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, कैल्सिफिकेशन है क्या है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाहर डॉक्टर द्वारा, जो पूरे आपको इंडिया का गल्फ में भी रिपोर्ट वैलिड होगा, ये रिपोर्ट हमारे गल में वैलिड होगा, हर जगह वैलिड होगा रिपोर्ट होगा। सर जब बाहर से कराएंगे तो पैसा तो ज़्यादा लेंगे? तो पैसा मैं पैसा क्यों ज़्यादा लूँगा, पैसा वही ले रहा हूँ मैं, वही तो मैं आया हूँ फैसिलिटीज देने के लिए। अच्छा, कि पैसा कम लूँगा और फैसिलिटीज मैं ज़्यादा दूंगा। और हमारा दूसरा चीज़ है कि आप इस क्षेत्र में आप कहीं भी बहड़िया या सिवान में घूम जाइएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको इसे इसी चीज़ मशीन जैसे आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई 12 चैनल का मशीन कोई नहीं रखता है, कोई नहीं रखता है 12 चैनल का मशीन, जो लास्ट ये 12 चैनल की मशीन है जो आपको आपको हार्ट का स्कैन करेगी। अच्छा, यहाँ हार्ट का स्कैन इसी जो, हाँ इसी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन है, ये ऐसी मशीन आपको जो आप शायद सिवान या कहीं घूमेंगे किसी लैब से पूछेंगे तो शायद ये मशीन किसी नहीं लगाया होगा। इसी जगह जाए तो 400-500 में हो जाएगा? नहीं, ये हमारे के 300 रुपये में जाँच होगी, इसी 300 हमारे यहाँ होगी, डिजिटल होगी और आपको 12 ग्राफ मिलेगा जो शायद यहाँ बहड़िया का आपको सिवान में भी किसी ने नहीं रखा होगा। बहड़िया के डॉक्टरों लोगों का सपोर्ट मिल रहा है सर? देखिए, तो हम तो डॉक्टर से विजिट किए हैं, अब तो डॉक्टर को डिपेंड करता है क्या चाहता है, ठीक है ना। मैं तो कोशिश करूँगा अच्छा सा रिपोर्ट दूँ, ठीक है। हमारा हमेशा यही रहेगा कि पेशेंट को कम बर्डन मिले और रिपोर्ट अच्छा से अच्छा मिले। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग हमारा जो है सुबह जो है 8 बजे खुलेगा, शाम में 7 बजे बंद हो जाएगा क्लिनिक, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में और आस्ते आस्ते डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे हमको रजिस्ट्रेशन मिलता जाएगा, जैसे मैंने इसका क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन लिया, क्लिनिक खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरत होती है, शायद बहुत से लोगों ने नहीं लेकर रखा है, नहीं रखता है, हमने रजिस्ट्रेशन जो जो चीज़ का लिया उस चीज़ को खोल लिया। नेक्स्ट उसको अगर अल्ट्रासाउंड खोलना होगा तो मुझे PCPND एक्ट के तहत तो मुझे आना होगा, तो PCPND एक्ट उसी को मिलेगा जो सोनोलॉजिस्ट होगा, तो जब उसके तहत मेरे को लाइसेंस मिलेगा, कोई सोनोलॉजिस्ट हमारा रहेगा, तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड भी नेक्स्ट देंगे, अल्ट्रासाउंड भी उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में। जो लोग बाहर मुंबई थे कोलकाता जाते हैं या पटना जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, अगर वहाँ का डॉक्टर जांच लिखता है तो हम बाखूबी कैमरा के सामने कर रहे हैं ना, हर जांच में परसेंटेज लोग डॉक्टर लेते हैं, लेकिन वहाँ से लोग ना करा आपके यहाँ कराएं तो कोई वैलिड होगा या नहीं? बिल्कुल वैलिड होगा, मैं उसके ग्राफ के साथ रिपोर्ट निकाल के दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री, कुछ टेस्ट यहाँ से कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री से, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर रहा हूँ, उसका डायरेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ से निकलता है आपका आएगा, वो तो रिपोर्ट पैड में लोग बना के देते हैं, वो रिपोर्ट साथ में अटैचमेंट करके दूंगा, वो सारा रिपोर्ट अटैचमेंट करूँगा। वैलिड क्यों नहीं होगा? या ज़्यादा होगा तो मैं क्रॉस टेस्ट के लिए अपना ब्लड रखूंगा, जहाँ चाहे वो क्रॉस करा सकता है, क्रॉस टेस्ट करा ले फिर हमसे बात करें। चलिए चलते चलते क्या कुछ आग्रह कीजिएगा जो बहड़ी के इर्द-गिर्द के लोग? मैं बस ये आग्रह करूँगा कि भाई आप लोग हमारे सेंटर पे आइए और आपको हमेशा सुविधा देने की कोशिश मैं करूँगा, और हमेशा मतलब जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अच्छा से अच्छा काम करके देने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियन हमारे पास यहाँ रहेंगे सारे लोग, जो भी हैं एक्सपर्ट टेक्नीशियन, BSc रेडियोलॉजिस्ट है, BSc आपका लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, ये सारा फैसिलिटीज हमारा मिले कोशिश करेगा, और आने वाले दिन में डे बाय डे फैसिलिटीज मैं बढ़ाऊंगा। बढ़िया बिल्कुल। एक्सरे मशीन है, ये स्कैन रखे एक्सरे मशीन है, ये मशीन ऑन करो बाबू इसको, ये हमारा ये एक्सरे मशीन है, इसके थ्रू जो हम लोग ये हाईली फ्रिक्वेंसी मशीन है,
सारा सिस्टम यहाँ लगा हुआ, किसी भी जगह का किसी भी पार्ट्स का एक्सरे लेना है तो सारा यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, जो पेशेंट कैसा है, पतला है मोटा है, उस हिसाब से अपना एक्सरे कर सकते हैं हम लोग। और सारा इसके एक्सरे जो है ट्रांसमिट होकर उधर सीआर सिस्टम में जाएगा, जो आपने देख रहा था वहाँ पे, वहाँ ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से वो जो डेस्कटॉप में जाएगा एक्सरे, उसके बाद ट्रांसफ़र होकर डायरेक्ट जो है जो हमारा रिपोर्टिंग जो चेन्नई में डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ से रिपोर्ट जाएगा। मतलब विद इन 15 मिनट में हम लोग इसके थ्रू जो है रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, हम सारा चीज़ का जितना और हम लोग जैसे इसमें स्पेशल एक्सरे होता है, जैसे HSG वगैरह होता है ना, गायनिक प्रॉब्लम के लिए फ्लोपिन ट्यूब वगैरह जाम रहता है उसके लिए, उसके बाद आपको IVP इंटरवेनस बायोग्राफी वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं। इससे सिर्फ ये सिर्फ एक्सरे सिर्फ बॉन के लिए नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारा एक्सरे इसके लिए यूज़ में हम लोग कर सकते हैं इसको। बेरियम सोलो, किसी की लीवर प्रॉब्लम है, बेरियम सोलो, बेरियम फ्लो थ्रो, ये सारा एक्सरे हमारा इसके थ्रो होता है। में सुविधा दे दी, पहले सुविधा नहीं था बिल्कुल। बस डॉक्टर हिदायतुल्ला, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे रहिएगा, मतलब इस लैब पे? नहीं, मैं तो देखिए TMS में मैं पोस्टेड हूँ जमशेदपुर में, ठीक है ना। हाँ, मैं भी मेडिकल, हाँ वो भी है, मैं BRIT, जी जी, मैंने BRIT कर रखा है, ठीक है, जमशेदपुर में मैं रहता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ छोटा भाई रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया में कुछ करे, अच्छा लोगों को अच्छे फैसिलिटी दे, ठीक है, जिससे कि लोग अच्छे जिससे कि उनको ट्रीटमेंट, सॉरी डायग्नोस्टिक होगा तो उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छे होंगे फिर हमारे पास आएंगे। और हमने लेटेस्ट मशीन ला रखी है, ये एक्सरे जो हमारी मशीन है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, कम से कम रेडिएशन देगी, ठीक है। रेडिएशन आपको पता है कि नुकसान करता है लोगों को, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें ना हम स्पेशल केस करेंगे, जो आपका सिवान में श्री राम में होता है वो चीज़ हम यहाँ करके देंगे। श्री राम में जैसे IBP होता है, बेरियम सवेलो होता है, एनीमा होता है, वो चीज़ हमारे के टेक्नीशियन यहाँ करेंगे। तो मेरा नाम गुफरान अहमद है,